हे वेलकम गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के बारे में। तो आपको पता होगा यार, सैमसंग की डिस्प्लेज में ये वाला फीचर आपको देखने के लिए मिल जाता है, तो कैसे आप रियलमी और रियलमी एक्स टू के अंदर इस फीचर को अनेबल कर सकते हैं, वो आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये मेरा रियलमी एक्स टू है, इसके अंदर मैंने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन कर रखा है और इसके अंदर आपको दिख रहा होगा टाइम और डेट, आप देख पा रहे होंगे काफी बेहतरीन तरीके से यहाँ पे दिखता है जब भी आपकी स्क्रीन ऑफ होती है तब। और दोस्तों, मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा भी इसके अंदर एनिमेशंस वगैरह अनेबल करनी हो ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर, तो उसके लिए भी मैं आपको सेटिंग्स बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। तो बिना स्किप करें वीडियो को देखना, तभी आप ऐसे अमेजिंग फीचर का मजा ले पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो गाइज, ये है रियलमी X2। अब मैं आपको इसमें बताता हूँ कैसे आप एम्बिएंट डिस्प्ले इसमें अनेबल कर सकते हैं या फिर ऑलवेज ऑन डिस्प्ले अनेबल कर सकते हैं, जिससे कि आपको ऑफ स्क्रीन के ऊपर भी क्लॉक दिखाई देती है, डे वगैरह और बैटरी का स्टेटस भी दिखाई दे जाता है। तो दोस्तों, उसे अनेबल करने के लिए आपको सिंपली सेटिंग्स में जाना होता है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा डिस्प्ले एंड ब्राइटनेस, इसमें आइए। इसमें आने के बाद दोस्तों, आपको यहाँ पे दिखाई देता है स्क्रीन ऑफ क्लॉक, आप इस पर क्लिक कीजिए, अनेबल कीजिए। अनेबल करने के बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं स्क्रीन ऑफ क्लॉक हमने अनेबल कर दिया, और साथ में आप देख सकते हैं यहाँ पे आप शेड्यूल भी कर सकते हैं, जैसे आप स्टार्टिंग टाइम भी डाल सकते हैं और आप एंडिंग का टाइम भी डाल सकते हैं। तो दोस्तों, ये आप हमने अनेबल कर दिया अपनी स्क्रीन के ऊपर ऑफ स्क्रीन क्लॉक को। तो अब हम सिंपली इसे ऑफ करके आपको दिखाते हैं ऑफ स्क्रीन क्लॉक आपको किस तरीके की दिखाई देने वाली है। तो दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, आपको 16:10 यानी 4:10 दिखाई दे रही है आपको फ्राइडे जनवरी 24 और 91% है आपकी बैटरी का स्टेटस। दोस्तों, मैंने आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले तो दिखा दिया, लेकिन यार इसके अंदर आपको कस्टमाइजेशन बहुत कम देखने के लिए मिलती है। तो अब सिंपली मैं आपको कस्टमाइजेशन के लिए एक ऐप बताने वाला हूँ। आप एमोलेड जो ऐप देख रहे हैं आप सामने लिखा हुआ, इसका नाम है ऑलवेज ऑन डिस्प्ले। इस ऐप के अंदर आपको यार कई सारे स्टिकर्स मिल जाते हैं, बैकग्राउंड, फॉन्ट स्टाइल, डेट स्टाइल, बहुत कुछ देखने के लिए मिल जाता है। तो आप सिंपली वॉच फेस को अगर बदलना चाहते हैं, जो कि आपको डिस्प्ले वहां पे दिखाई दे रहा था, तो आप देख सकते हैं इस तरह की वॉच आप लगा सकते हैं। तो वॉच फेस यहाँ पे आपको कई तरह के देखने के लिए मिल जाते हैं, आप जैसा चाहें वैसा अनेबल कर सकते हैं। अब आप गाइस देख सकते हैं, आपको जो वॉच है आप बदली हुई देख सकते हैं। यहाँ पर आपको एक सिंपल आइकन देखने के लिए मिल जा रहा है जिसमें आपकी घड़ी चल रही है। और दोस्तों, हम दोबारा से इसे चेंज करके देखते हैं, तो कई सारी कस्टमाइजेशंस आपको देखने के लिए मिल जाती हैं ऑलवेज ऑन डिस्प्ले के अंदर। इस ऐप में से आप कई तरह की कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल भी आप बदल सकते हैं, जो भी फॉन्ट स्टाइल आपको पसंद आए फॉन्ट स्टाइल बदल लीजिए, या फिर बैकग्राउंड भी आप चेंज कर सकते हैं, और डेट स्टाइल भी आप चेंज कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला डेट स्टाइल या फिर कोई सा भी डेट स्टाइल आप ले सकते हैं यहाँ से। और साथ में वॉच फेसेस आपको काफी अच्छी अच्छी तरीके के देखने के मिल जाते हैं, तो इन्हें आप अनेबल करने के बाद काफी अच्छे वॉच फेसेस का मजा ले सकते हैं। तो ये वाली स्टाइल मैं आपके लिए सेट करके दिखाता हूँ, तो अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं काफी बेहतरीन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में ये स्टाइल आपको देखने के लिए मिल जाता है। डिफॉल्ट स्टाइल से अगर आपको कस्टमाइजेशंस पसंद है, तो कस्टमाइज्ड स्टाइल मैंने आपको बता दिया ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का। मुझे उम्मीद है आपको ऑलवेज ऑन डिस्प्ले ऑन करना आ चुका होगा रियलमी के किसी भी फोन के अंदर, और साथ में मैंने आपको काफी बेहतरीन एनिमेशंस भी बता दी, तो आप उन एनिमेशंस का यूज करके काफी अच्छी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले का मजा ले सकते हैं रियलमी किसी भी रियलमी फोन के अंदर, जो कि कलर ओएस को सपोर्ट करता हो। तो चलिए दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा बताइए मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर, और वीडियो को लाइक कर देना, शेयर भी कर देना, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सभी को मिल पाए। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी करके निकलना, ताकि ऐसी वीडियोस आपको आगे और भी मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ आपसे अगली ऐसी एक लेटेस्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, भारत माता की जय, वंदे मातरम।